तो कैसे हैं आप लोग? इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे इनर लाइन परमिट की, जिसके बारे में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में बात करी थी। और ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एप्लीकेबल है, क्या है ये सिस्टम, इससे क्या फायदे हैं, कब आया था, कौन से कानून के अंडर आया था, प्री और मेंस के परस्पेक्टिव से सारे के सारे डायमेंशन इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाला हूं मैं, मुदित गुप्ता। आगे बढ़ने से पहले टू सब्सक्राइब टू अकेडमी यू कैन यूज माई रेफरल कोड मुदित गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। सिंपली मेरा नाम डालो और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। अन अकेडमी पे हमने एक नया सब्सक्रिप्शन निकाला है जिसका नाम है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि जीएस और ऑप्शनल दोनों का ही आपको कंबाइंड पैकेज मिलेगा, तो इसे कहा गया है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। तो जीएस में भी आपको पता है कि अनअकैडमी पे दो तरीके के सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन और एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, राइट? तो आपको दो कॉम्बोज मिलेंगे अनअकैडमी पे, एक मिलेगा जीएस प्लस ऑप्शनल और एक मिलेगा आइकॉनिक प्लस ऑप्शनल। आइकॉनिक में क्या होता है कि आपको पर्सनलाइज गाइडेंस, मेंटरशिप, डेली कम्युनिकेशन विद आवर सेपरेट डेडिकेटेड टीम, हमारी एक पूरी अलग से टीम है जो आपके रेगुलर डाउट्स लेगी, तो वो टीम आपको यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करेगी डेली बेसिस पे, इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग और बाकी सब कुछ। तो दो कॉम्बोज अवेलेबल है अनअकैडमी पे, दोनों के प्राइजेस यहाँ पे मेंशन है। आपको सब्सक्राइब करने के लिए सिंपली मेरा रेफरल कोड यूज करना है मुदित गुप्ता और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे। तो जरूर ज्वाइन करिए जहां पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव, इंक्लूडिंग नोट्स, डेडिकेटेड डाउट रेजोल्यूशन सेशंस, टेस्ट सीरीज और सब कुछ एक ही जगह पे, ये रेफरल कोड यूज करके मुदित गुप्ता। तो चलिए समझते हैं कि इनर लाइन परमिट एग्जैक्टली है क्या। ये जो इनर लाइन परमिट सिस्टम होता है, ये सबसे पहले शुरू करा था अंग्रेजों ने। इस सिस्टम का पर्पस ये था कि जो इंडियन बिजनेसमैन है बंगाल के, वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ना जा पाए, जिससे कि अंग्रेज जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट में ट्रेड कर पाए। मतलब कि जो नॉर्थ ईस्ट के जंगल हैं, हिली एरियाज हैं, वहां पे ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि इंडियन बिजनेसमैन जाके ट्रेड करें, और ब्रिटिश अपनी कमर्शियल मोनोपली वहां पे बनाए रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या करा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक नया सिस्टम निकाला जिसका नाम था इनर लाइन परमिट। और इन्होंने बोला कि अगर कोई भी हिंदुस्तानी व्यक्ति उन नॉर्थ ईस्ट एरियाज में जाना चाहता है तो उसको पहले अंग्रेजों की सरकार से एक परमिट लेना होगा जिसका नाम है इनर लाइन परमिट। अगर आपके पास इनर लाइन परमिट नहीं है तो आप उस जंगल और हिली एरिया में नहीं जा सकते। इससे क्या हुआ कि जो चाय का ट्रेड था और बैम्बू वगैरह का ट्रेड था, दूसरी कमोडिटीज का ट्रेड था, वो बन गया ब्रिटिशर्स की मोनोपली। तो इन्होंने अपनी ट्रेड मोनोपली बनाए रखने के लिए इनर लाइन परमिट सिस्टम लॉन्च करा, जिसके तहत जो इंडियन बिजनेसमैन थे वो नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में और हिली एरियाज में नहीं जा पा रहे थे। ये जो पर्टिकुलर इनर लाइन परमिट सिस्टम था, ये लाया गया बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। आपको पता है कि पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो बंगाल के ईस्ट में लाया करता है, इस वजह से इस कानून को नाम दिया गया बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर, कि बंगाल के ईस्ट में जो जगह है उसको हम रेगुलेट कर रहे हैं, मतलब कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट। लॉजिक समझो, रटने की जरूरत नहीं एक्ट का नाम, कि जो जगह बंगाल के ईस्ट में है वहां पे हम लोगों को रेगुलेट कर रहे हैं, वहां पे लोगों को नहीं जाने देंगे, और इस वजह से इस कानून का नाम रखा गया बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। तो ये जो इनर लाइन परमिट सिस्टम था, ये इस कानून से इंट्रोड्यूस हुआ था। साथ के साथ इनर लाइन परमिट लाने का एक कारण और था, और वो कारण था कि बेसिकली क्या हुआ, एक पर्पस तो था कि इंडियन बिजनेसमैन को वहां पे जाने से रोकना है, बीच में क्या हुआ कि कुछ ब्रिटेन के और अंग्रेज बिजनेसमैन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नहीं, दूसरे जो छोटे छोटे ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, उन्होंने इंडिया आना शुरू करा। उन्होंने देखा इंडिया में बहुत पैसा है, बहुत रिसोर्सेस हैं, तो वो जो प्राइवेट इंग्लिश बिजनेसमैन थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले नहीं, दूसरे प्राइवेट ट्रेडर्स, छोटे छोटे दुकान वाले जिनकी ब्रिटेन में दुकान होगी, वो वाले ट्रेडर्स, उन्होंने यहां पे आना शुरू करा। और उन्होंने क्या करा, अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू करा फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। आपको पता है कि ट्राइबल जो है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे जीते हैं, तो वो जो इंग्लिश के ट्रेडर्स आ रहे थे, बिजनेसमैन आ रहे थे छोटे छोटे, वो यहाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाके ट्राइबल्स का एक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। ब्रिटिश ने बोला ये भी नुकसानदायक है, मतलब कि हमार को अपनी मोनोपली बनाए रखनी है, वो तो बात सही है, लेकिन कल को अगर अंग्रेज ट्रेडर्स आके हमारा यहाँ पे नाम खराब करेंगे तो ये ट्राइबल्स तो हमारे अगेंस्ट भी रिवोल्ट कर सकते हैं। आपको पता है रिवोल्ट ऑफ 1857 यहाँ पे हो चुका था। अंग्रेजों को ये डर लगने लगा कि ट्राइबल रिबेलियन हो, ट्राइबल रिवोल्ट हो,
उससे पहले जो छोटे छोटे इंग्लिश बिजनेसमैन आ रहे हैं उनकी यहाँ पे एंट्री बंद कर दो। तो बेसिकली इनर लाइन परमिट के अंडर इंडियन सिटीजन्स और ब्रिटेन के सिटीजन्स सबकी एंट्री बंद कर दी गई, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटेन के क्राउन के सिविल सर्वेंट्स, जो रानी थी उनके जो सर्वेंट्स थे सिविल सर्वेंट्स, सिर्फ वो यहां पे जा सकते थे बिना परमिट के। बाकी अगर किसी को भी, चाहे वो इंग्लिश सिटीजन हो या इंडियन सिटीजन हो, अगर उन्हें यहां पे जाना है तो ब्रिटिश की सरकार से इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। तो दो कारणों से, कोई रिवोल्ट प्रिवेंट करने के लिए, स्केड्यूल ट्राइब्स जो थे वहां पे, जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी उनका एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंट करने के लिए, अपना रिलेशन अच्छे से बनाए रखने के लिए कि क्राउन का ट्राइबल्स के साथ रिलेशन अच्छे से बना रहे, और इंडियन बिजनेसमैन को वहां जाने से प्रिवेंट करने के लिए जिससे कि ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन की वहां पे मोनोपोली बनी रहे, इस वजह से इन्होंने इनर लाइन परमिट का इजाद करा। तो फिर क्या हुआ, आजादी के बाद भारत की सरकार ने, आजाद भारत की जो सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू की सरकार, उन्होंने इस इनर लाइन परमिट को चालू रखा। उन्होंने ये बोला कि देखिए ये जो एरियाज हैं यहां पे काफी ज्यादा यूनिक पॉपुलेशन रहती है, इन एरियाज में ऐसी पॉपुलेशन रहती है जिनका कल्चर काफी अलग है, जिनकी हिस्ट्री काफी अलग रही है, जिनके जो नॉर्म्स हैं, उनकी प्रैक्टिसेस हैं, फूडिंग हैबिट्स हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, ड्रेसेस हैं, बहुत अलग है। हम ये नहीं चाहते कि मेनलैंड इंडिया से लोग यहां पे जाएं और उनके कल्चर को खराब करें। तो हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कल्चर को लेके काफी ज्यादा सेंसिटिव थे। हमारे को ये लगने लगा कि यहां पे जो हिली एरियाज में लोग रह रहे हैं, जो ट्राइबल लोग रह रहे हैं, उनका कल्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये चाहते हैं कि उनका कल्चर प्रोटेक्टेड रहे, और इसीलिए हमने क्या करा कि जो प्लेन एरियाज हैं, जो इंडिया है, वहां से सिटीजन्स की एंट्री के ऊपर एक रोक लगा दी अंडर द इनर लाइन परमिट सिस्टम। ब्रिटिश के कारण अलग थे, ब्रिटिश के क्या कारण थे, ट्रेड मोनोपोली और प्रिवेंट द रिवोल्ट बाय द ट्राइबल्स। हमारा कारण क्या है कि वी आर सेंसिटिव टुवर्ड्स द कल्चर ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन। हम जो है, जो यहाँ की आदिवासी जनता है उसके कल्चर को लेके हम एम्पैथेटिक हैं, हम सेंसिटिव हैं, इस वजह से हम नहीं चाहते कि उनका कल्चर डिस्ट्रॉय हो। तो फर्क समझो, इंटेंशन में फर्क है, कानून सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन इंटेंशन अलग है। ब्रिटिश का जो इंटेंशन था वो था ट्रेड मोनोपोली, हमारा जो इंटेंशन था वो था इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कि हमारे को ट्राइबल्स के कल्चर को हार्म नहीं होने देना है, हमने उनके कल्चर को चोट नहीं पहुंचानी है। इस वजह से हमने कहा कि बाकी के हिंदुस्तान के सिटीजन्स यहां पे नॉर्थ ईस्ट एरियाज में आसानी से नहीं जा सकते, अगर उन्हें जाना है तो इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा भारत सरकार से। तो अब सवाल उठता है कि कौन कौन से राज्यों में ये इनर लाइन परमिट एप्लीकेबल है। आज की तारीख में चार राज्यों में इनर लाइन परमिट चाहिए होता है, एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा मिजोरम। अगर आपको इन चार जगहों पे जाना है, ऑर्डर में ही है, कोई इधर उधर नहीं है, एकदम ऑर्डर में याद रखिए, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन चार जगहों पर अगर आपको जाना है तो आपको इनर लाइन परमिट चाहिए होगा, ठीक है। तो सवाल उठता है कौन से कानून के अंडर, वही जो मैंने बताया, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873, कानून सेम है। सवाल उठता है कि आप भारतीय नागरिक हो, आप भारतीय सिटीजन हो, तो क्या आपको भी ये इनर लाइन परमिट चाहिए होगा? जी हाँ, ये इनर लाइन परमिट का जो सिस्टम है वो भारतीय नागरिकों के लिए ही है। मतलब कि अगर मेरे को या आपको नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जाना है तो हमारे को पहले इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है। सवाल उठता है कि ये जो जगहें हैं ये कौन डिसाइड करता है? दीज प्लेसेस आर डिसाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो गृह मंत्रालय, अमित शाह वाला मंत्रालय, वो मंत्रालय तय करता है कि इनर लाइन परमिट कहां कहां के लिए चाहिए होगा। ध्यान से समझना, ये जो जगहें हैं दे आर डिसाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कि कौन कौन सी जगह के लिए इनर लाइन परमिट चाहिए होगा, ठीक है। सवाल उठता है कि इनर लाइन परमिट इशू कौन करता है? अभी क्या सवाल था कि कौन डिसाइड करता है कि कौन सी स्टेट में इनर लाइन परमिट चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। मान लीजिए अब आपको अरुणाचल प्रदेश जाना है, आपको मणिपुर जाना है, मिजोरम जाना है, तो आपको ये इनर लाइन परमिट मिलेगा कहां से? ये आपको मिलेगा स्टेट की ऑनलाइन वेबसाइट से। फॉर एग्जाम्पल आपको मिजोरम जाना है, आप उनकी ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करो, आपको इनर लाइन परमिट मिल जाएगा। तो ये जो इनर लाइन परमिट है ये स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। तो दो सवाल हो गए, ये स्टेट्स डिसाइड कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।
इनर लाइन परमिट इशू कौन करता है? रिस्पेक्टिव स्टेट। तो अगला सवाल ये उठता है कि ये जो इनर लाइन परमिट है इस पे लिखा क्या क्या होता है। एक डॉक्यूमेंट होगा, इस पे लिखा होगा कि एक्स वाई जेड व्यक्ति, मान लीजिए आप इस तारीख को स्टेट के अंदर आएंगे, इस तारीख को स्टेट से बाहर जाएंगे और इन इन जगहों पर जा सकते हैं, कि मतलब आप नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, अरुणाचल में कहां कहां घूम सकते हो, उन सब जगहों का जो नाम है वो इस परमिट पे लिखा होगा, उसके अलावा आप कहीं और नहीं जा सकते। तो ये जो इनर लाइन परमिट है ये बेसिकली इंडियन सिटीजन्स की जो एंट्री है उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है, और इसके ऊपर आपकी स्टेट के अंदर की एंट्री डेट, एग्जिट डेट और प्लेसेस दैट यू कैन विजिट, ये तीन चीजें मेंशनड होती हैं। तो ये जो इनर लाइन परमिट है ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को चाहिए होता है। सवाल उठता है कि अगर किसी फॉरनर को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या अरुणाचल जाना हो तो क्या होगा। अगर किसी विदेशी व्यक्ति को, किसी फॉरनर को इन जगहों पे जाना है तो उनके लिए एक अलग परमिट होता है जिसका नाम है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। फॉरनर्स को इन चार स्टेट्स में जाने के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब अगर आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है तो अप्लाई करिए इनर लाइन परमिट के लिए, अगर आपके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है तो अप्लाई करिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट के लिए, राइट। ये भी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट ही इशू करेगी। तो ये है पूरा का पूरा इनर लाइन परमिट का हिस्ट्री कॉन्सेप्ट और क्यों ये आज एप्लीकेबल है। आगे बढ़ने से पहले टू सब्सक्राइब टू अकेडमी यू कैन यूज माय रेफरल कोड मदद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। सिंपली मेरा नाम डालने और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ के साथ हमारा अनअकैडमी पे नया सब्सक्रिप्शन आया है जिसका नाम है अनअकैडमी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको जीएस और ऑप्शनल दोनों साथ में मिलेंगे। कहने का मतलब है कि अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जीएस का और प्लस सब्सक्रिप्शन ऑप्शनल का, ये दोनों आपको एक कॉम्बो में मिलेंगे। दिस इज कॉम्बो नंबर वन। हमारे यहाँ एक और सेकंड कॉम्बो भी है जिसमें आपको अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां पे आपको पर्सनलाइज गाइडेंस, डेली मेंटरशिप, मेंस टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग और ऑप्शनल का प्लस सब्सक्रिप्शन, ये दोनों चीजें मिलेंगी। इनके प्राइसेस यहाँ पे मेंशन है तो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और ये रेफरल कोड आपको यूज करना है टू सब्सक्राइब टू द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन।